मेरा नाम त्वाइबा है एंड तो आपने किस स्ट्रीम में? कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने 8th फिजिशियंस क्लियर की जेएनके में। तो मैं यहाँ पर मेरा स्कूल मेरा कदल था और लेकिन ये कोचिंग सेंटर मेरा एजुकेशन था। तो फिर उसके बाद मैंने ज्यादा टाइम लेकिन कोचिंग सेंटर में ही दिया है। तो मैं यहाँ पर मैंने 11th में भी पढ़ा है और उसके बाद 12th में भी पढ़ा है। तो मुझे यहाँ पर जेड एजुकेशन का नाम नहीं पता था, बट लेकिन मैं जब 11th में कोचिंग के लिए आई थी तो पहले मैं गई थी पामपुर, उसके बाद मैं हवल गई थी। तो मैंने देखा कि कहीं पर अच्छा आ रहा था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे थे लेकिन थ्योरी में मतलब फिर भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद मैं हवल गई, मैंने देखा कि थ्योरी अच्छा है प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पर भी आई थी एक बार, तो मैंने एक क्लास यहाँ पर भी दिया था कि यहाँ पर जेड एजुकेशन बार बच्चा। तो यहाँ पर मुझे अफसर पढ़ाते हैं, हम अकाउंट्स स्पेशली अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि सर के पास मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थ्योरी भी कवर कराते हैं और फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी कवर कराते हैं। इवन उसके बाद जो हमारे 12th के बाद जो हमें हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो मैंने देखा कि मुझे आज हेक्टिक नहीं लगता है क्योंकि मेरे ऑलरेडी मेरा प्रैक्टिकल है एंड सर ने इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि इवन मेरा जो 12th का एग्जाम था मैंने अकाउंट्स पेपर जब दिया था मैंने कंप्लीट किया था। मैं देख रही हूँ तो 65 मिनट्स मेरे बच्चे हुए थे, इतना सर ने हमने मतलब इतना स्ट्रांग किया था सर ने हमारा सब्जेक्ट। ऊपर से यहाँ पर उसके बाद इकोनॉमिक्स साहिर सर भी पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उसने भी हमें गाइड किया था कि और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता कि बच्चों को सिर्फ नॉलेज मिलता था और उनको नहीं पता होता कि टाइम एग्जाम में कैसे मैनेज कर पाए। या कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को या तो टेस्ट अच्छे आते थे ना, नॉलेज अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने देखा यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो दोनों का हो रहा था, टेस्ट भी होते थे मेरे हर किसी सब्जेक्ट में होते थे और यहाँ पर मतलब अकाउंट्स में भी टेस्ट होते थे, बिजनेस स्टडीज में भी टेस्ट होते थे और ताहिर सर भी लेते थे। मतलब फिर मैंने देखा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर। इवन आज मैं अगर इसके बाद 12th के बाद में गई, इतना नहीं था कि मतलब टीचर ने हमें इतना सपोर्ट किया कि मतलब ऐसा नहीं होता था कि कहीं कोचिंग सेंटर्स में ऐसा कहते कि ये आपने पिछले साल में पढ़ा होगा और कहीं कहते कि आप आगे पढ़ोगे, तो फिर हमें नहीं पता चलता है कि पिछले साल पढ़ना था कि नहीं अगले साल पढ़ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलता था कि सर ऐसा नहीं कहते थे कि मतलब मुझे सर मैं प्रिपेयर करूंगा, मैं वो करूंगा, जो भी मैंने अभी तक सर के पास क्वेश्चन लिया है या सर पढ़ाते थे क्वेश्चन में तो मैंने कभी भी सर का मतलब कोई भी आंसर कभी गलत नहीं निकला सर का। तो फिर उसके बाद मैं ये कहूंगी कि अगर आप यहाँ पर 11th 12th में पढ़ने आओगे तो इतना ही नहीं है आप सोचोगे कि मतलब 11th 12th अच्छा हो गया इसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप जब आगे देखोगे आप देखोगे आपका कवर बहुत बेस स्ट्रांग होता है कि आप इवन अगर आप फिर कोचिंग भी नहीं करोगे ना 12th के बाद आपको लगता है आप खुद भी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, मतलब उस लेवल तक आपको ले जाएंगे, यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और यहाँ पर टीचर्स का भी सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको दिखेंगे कि मतलब आपको डिस्करेज करेंगे या कुछ करेंगे, सर टीचर्स आपको बार बार मोटिवेट करते रहते हैं। बेटा आप अपना नाम बताइए, किस स्ट्रीम में आपने पोजीशन हासिल की है और कितना स्कोर किया? मेरा नाम मदीहा है और मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में 492 मार्क्स और 4th पोजीशन सिक्योर किया मैंने। किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं? जेड एजुकेशन जी। तो कैसा सपोर्ट रहा वहाँ पे टीचर्स का? बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, सपोर्टिव था सब कुछ, ओवरऑल टीचर्स ने गाइड किया, सिर्फ एकेडमिकली नहीं ओवरऑल मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें गाइड किया कि कैसे हम हर एक स्टेप ले अपना, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक्सपेक्ट किया था पोजीशन हासिल करेंगे? अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट किया था क्योंकि टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी थी हम पे और हमने भी की थी। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी जेड एजुकेशन की तरफ से? अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप लोग कहीं पे भी ट्राई कीजिए, आई थिंक अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और अच्छा सपोर्टिव एनवायरमेंट मिल रहा है, तो एक अच्छा डिसीजन रहेगा यहाँ आना। तोयबा हिलाल, कितना स्कोर किया है? 485। किस स्ट्रीम में? कॉमर्स। बहुत मुश्किल आती, पहले तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल लग रहा था बिकॉज स्कूल एट द सेम टाइम, फिर उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना। सो मेरा अर्ली नहीं हो पाता था पॉसिबल सेल्फ स्टडी करना, देन आई यूज टू स्टडी लेट एट नाइट। तो लेट तक मैं स्टडी करती थी एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, रेगुलर प्रैक्टिस, कुछ सब्जेक्ट्स रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस, तो उनके साथ जैसे अकाउंट्स हमारा सब्जेक्ट है तो उसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आप एंजॉय भी नहीं करोगे उस सब्जेक्ट को। सो यही बोलना चाहूंगी कि कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो एंड फोकस्ड रहो अपनी स्टडीज की तरफ, यू विल डू इट। ट्यूशंस का बहुत सपोर्ट रहा बिकॉज हम कभी भी सर को कुछ भी डाउट बोलते थे तो इंस्टेंटली वो क्लियर हो जाता था। तो मैंने अपना कोचिंग जेड एजुकेशन से किया है एंड यहाँ बहुत सपोर्टिव एनवायरमेंट था, सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया एंड स्पेशली अकाउंट्स टीचर ने बहुत सपोर्ट किया बिकॉज उसमें हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है तो सारे क्वेश्चंस प्रिसाइजली कराना वो बहुत बेनिफिशियल रहा हमारे लिए। एंड कभी भी हमें कुछ भी डाउट होता था सो वी जस्ट यूज टू कॉल एंड इंस्टेंटली हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे।
बाकी स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगी, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ आए बिकॉज द एनवायरमेंट इज वेरी सपोर्टिव, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं लाइक टाइम एंड मेन मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि सिलेबस का टाइम भी कम्प्लीशन वो यहाँ हमेशा ही होता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ आए, यहाँ से अपनी कोचिंग करें, टेस्ट होते हैं, सो दैट हेल्प्स अ लॉट. मेरा नाम मदीहा है और मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 492 मार्क्स और फोर्थ पोजीशन सिक्योर किया मैंने. किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं? जेड एजुकेशन. जी, तो कैसा सपोर्ट रहा वहाँ पे टीचर्स का? बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, सपोर्टिव था सब कुछ. ओवरऑल टीचर्स ने गाइड किया, सिर्फ एकेडमिकली नहीं, ओवरऑल मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें गाइड किया कि कैसे हम हर एक स्टेप ले अपना, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. एक्सपेक्ट किया था पोजीशन हासिल करेंगे? अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट किया था क्योंकि टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी थी हम पे और हमने भी की थी. अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप लोग कहीं पे भी ट्राई कीजिए. आई थिंक अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और अच्छा सपोर्टिव एनवायरमेंट मिल रहा है, तो एक अच्छा डिसीजन रहेगा यहाँ आना.